स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित जेतपुर इलाके के नीमा हॉस्पिटल में दो नाबालिगों ने एक 55 साल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान यूनानी डॉक्टर जावेद अख्तर के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। हॉस्पिटल कर्मचारियों के अनुसार दोनों आरोपियों की उम्र 16 से 17 के बीच की थी। उनमें से एक आरोपी का 1 अक्टूबर को पैर के अंगूठे में चोट का इलाज हुआ था। वो बुधवार देर रात एक लड़के के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। आरोपी ने अपने अंगूठे की ड्रेसिंग बदलने के लिए कहा। ड्रेसिंग हो जाने के बाद नाबालिगों ने कहा कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उन्होंने डॉक्टर जावेद से मिलने की बात कही और अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के केबिन में चले गए। कुछ मिनट बाद हॉस्पिटल स्टाफ गजाला परवीन और एमडी कामिल ने गोली चलने की आवाज सुनी। वे डॉक्टर के केबिन में पहुंचे और देखा कि जावेद अख्तर के सिर में खून बह रहा है। घटना के बाद आरोपी भाग गए। पुलिस ने बताया कि मामला टारगेट किलिंग का लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी हॉस्पिटल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। घटना के तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।